और अब डायरेक्टर सर को मैं आप लोगों के लिए इसलिए बुलाना चाह रहा हूं कि सर इसके बाद वो महाघोषणा वाला जो है वो महाघोषणा वाली स्क्रिप्ट है, पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन वो खोल दीजिए सर, उस स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट को खोल दीजिए, और ये स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट खोलिएगा भैया। स्वागत है, तालियां होनी चाहिए इस स्क्रिप्ट के लिए। क्या है ये महाघोषणा जो है वो महाघोषणा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी टीम की तालियां हैं आप लोगों के बीच में जो है वो पूरी टीम की तालियां है भैया, और ये पूरी टीम की तालियां, ये इन लोगों के द्वारा बनाई हुई स्क्रिप्ट है। मैं सिर्फ वो चेहरा हूं जो इस पूरी स्क्रिप्ट को आपके सामने रख रहा हूं, और ये मां घोषणा स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट की घोषणा इन सब टीम मेंबर ने बैठ करके जोड़ी है, इनका पल पल है इस स्क्रिप्ट के अंदर, तो बस मैं इसी को आपके सामने रख रहा हूं। तालियां इस मां घोषणा के लिए, और जी बिल्कुल अब आपके सामने ये स्क्रिप्ट, ये मां घोषणा जिसका इंतजार पिछले दो दिन तीन दिन से आप लोग बेसब्री से कर रहे हो, क्या होने वाला ये मां घोषणा? जी हाँ, इस मां घोषणा के अंदर जो है सांस थाम के बैठ जाइएगा, पानी उनी पी लीजिएगा, मैं भी आपके साथ में हूं, और फिर जो है वो महाघोषणा स्टार्ट करते हैं अपन। जी इस महाघोषणा के अंदर आप सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजीज है, और तीन प्लान जो है वो आईएनसी टीम के द्वारा बनाए गए प्लान है। इन प्लान के अंदर क्या है, एक एक प्लान डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में, और क्या शानदार है आप लोगों के लिए, अगर मजा आए और शानदार लगे आप लोगों को ये प्लान, ये महाघोषणा, तो तालियां नहीं रुकनी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में आईएनसी जिंदाबाद और आईएनसी तालियां होनी चाहिए बस भैया। और चलिएगा पहला प्लान आप लोगों के सामने। जी हाँ, इस महाघोषणा का पहला प्लान ये है कि फ्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, नॉट आइडियल स्टूडेंट इवन देन, एवरी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने के लिए जो भी स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट के लिए आइडियल नर्सिंग क्लासेज फ्री ऑफलाइन जो है वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहा है, और वो टेस्ट सीरीज सर महीने के अंदर एवरी मंथ 2 टेस्ट सीरीज होंगी, और दोनों टेस्ट सीरीज की डेट डिसाइड है भैया। पहली डेट, पहला टेस्ट हर महीने की 15 तारीख को, और सेकंड टेस्ट जो है वो 30 जो है वो 30 तारीख को होने वाला है। सर मुझे पता था कि आप लोगों की आदत है उस काउंटर क्रॉस को मारने की, और आप मारते कि सर फिर फरवरी में 30 वाला कब होगा, इसलिए डेट डिसाइड कर दिया इस टीम ने भैया। ये बहुत सूझबूझ के साथ बैठी हुई टीम है आज सर। फरवरी के अंदर जो सेकंड टेस्ट है वो 28 जो है वो 28 को होने वाला है आप लोगों का, और सर पहला टेस्ट सीरीज आज 15 तारीख है, आज ये महाघोषणा हुई है। अगला टेस्ट, पहला टेस्ट होगा 30 जनवरी को, देन 15 फरवरी को, देन 28 जो है वो 28 फरवरी को, और ये तब तक रहेगा जब तक आईएनसी जिंदाबाद है, आप लोग जो है वो आप लोग साथ में हैं भैया। चलिएगा सर, इसका कुछ टाइम टेबल है, इसका कुछ शेड्यूल पैटर्न है क्या? जी हाँ, इसका टाइम डेली 15 तारीख और 30 तारीख को हर महीने 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होने वाला है। नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है ये सिलेबस होने वाला है, ये पेपर होने वाला आपका सर। 120 क्वेश्चन होंगे या तो पेपर में, या फिर 200 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट के होने वाले हैं, और दूसरे जो है वो 20 क्वेश्चन आपके अदर जो है वो अदर सब्जेक्ट के होने वाले हैं भैया, और 200 क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग के होने वाले हैं, 20 अदर होने वाले हैं, और सर एक 200 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज ऐसा भी प्लान है जिसमें 100 क्वेश्चन नर्सिंग एंड 100 अदर, और वो डीएसएस भी जो है वो उस पैटर्न के ऊपर बनाएगी टेस्ट सीरीज होने वाली आपकी। तो ये पहला प्लान जो है वो प्लान है, अगर लगा मस्त तो फिर आईएनसी जिंदाबाद, और तालियां जो है वो तालियां रुकनी नहीं चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ आईएनसी जिंदाबाद, ये टीम जिंदाबाद, और आपकी तालियां होनी चाहिए। ये लीजिएगा भैया, प्लान भी आपके सामने है, और क्या है ये प्लान भी जो है वो प्लान भी भैया आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है। दूसरा प्लान, दूसरी स्ट्रेटजीज आईएनसी की महाघोषणा में एक प्लान जो है वो प्लान सेकंड आपका, कि सर एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप लोगों को क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर जो है उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपका नाम, और आपको लिखना है नर्सिंग ऑफिसर बैच जो है वो बैच, और आपको सेंड करना है नाम और नर्सिंग ऑफिसर बैच लिख करके। सर हमें क्या मिलने वाला है उसके सेंड करने से, व्हाट्सएप नंबर पे आईएनसी का नंबर है ये, और यहां पर सेंड करने से क्या मिलने वाला है, तो ये आप लोगों के सामने है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को मिलने वाले हैं यहां पर,
सर जितने भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को उस व्हाट्सएप नंबर पे मिलने वाले हैं आपके, और इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप नंबर्स पे मिलने वाले हैं। सर बुक्स जितनी भी आपके नर्सिंग में इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और जिनका पीडीएफ अवेलेबल है वो सब पीडीएफ बुक जो है वो बुक आप लोगों को मिलने वाली है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। और सर एग्जाम के रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जी कौन सी जानकारी, कौन सी वैकेंसी आई है, कौन सा कैंडिडेट इसको फिल कर सकता है, क्या इस वैकेंसी जो है उस वैकेंसीज के डाटाज है, उसका एडमिट कार्ड कब आया है, एग्जाम डेट जो है वो एग्जाम डेट क्या है, और उसका एग्जाम रिजल्ट जो है वो रिजल्ट इंफॉर्मेशन की रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो उसका रिजल्ट, सर इसका मतलब इवन वैकेंसी से लेकर के रिजल्ट आने तक की पूरी डिटेल आपको INC आपके व्हाट्सएप नंबर जो है उस व्हाट्सएप नंबर पे देने वाला है, और अदर जितनी भी नर्सिंग ऑफिसर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब आपको देने वाला है भैया। तो कैसा लगा ये प्लान बी INC जो है वो INC का, चलिएगा कमेंट बॉक्स में तालियां, और INC जिंदाबाद होना चाहिए ताकि मैं अगला प्लान आप लोगों के सामने खोलूं। प्लान सी जो है वो सी आप लोगों के सामने आने वाला है, फिर बता दूं प्लान ए जो है वो ए आपका, प्लान बी आपका, और फिर प्लान सी जो है वो सी अपन खोलने वाले हैं। लीजिएगा ये है आपका प्लान सी जो है वो सी। सर ये प्लान बहुत जरूरी हमारे लिए, और इस प्लान का तो इंतजार था हमें, सर इसकी तो हम राह देख रहे थे कि कब कोई ऐसा प्लान आए, और ये आप लोगों के लिए हमेशा के लिए प्लान है भैया, हमेशा के लिए INC के प्लान रहने वाले हैं, ये कभी रुकने वाले प्लान नहीं है। सर जितने भी स्टूडेंट जो किसान जो है वो किसान फैमिली से हैं, जिनके मदर फादर जो है वो किसान है, किसान के बेटे बेटी जो हैं उनके लिए 25% फीस जो है वो फीस माफ होने वाली है INC के ऑफलाइन जो है वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। सर BPL जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 40% फीस रिलैक्सेशन है, 40% फीस को माफ किया है INC ने, और हमेशा के लिए माफ कर दिया है भैया। ऐसा नहीं है कि सर एक बैच के लिए, दो बैच के लिए, जी नहीं, INC ने हमेशा के लिए माफ कर दिया है BPL स्टूडेंट के लिए 40। सिंगल पेरेंट्स स्टूडेंट सर, इवन मदर एंड फादर में से कोई भी सिंगल पेरेंट साथ में है बच्चे के, इसका मतलब मदर या फादर में कोई एक सिंगल एक्सपायर हुआ है, तो वहां पर आपको 30% फीस की रिलैक्सेशन मिलने वाली है। सर मदर फादर ब्रदर सिस्टर ब्लड रिलेशन में कोई भी मेंबर जो देश की सेवा के लिए तत्पर है, आर्मी BSF के अंदर है, उस स्टूडेंट को 25% फीस का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और जी हाँ, स्कॉलरशिप एक स्ट्रेटजीज है हमारी कि जो स्टूडेंट GNM थर्ड ईयर, पोस्ट BSc सेकंड ईयर, BSc फोर्थ ईयर या MSc सेकंड ईयर, सर इसका मतलब अपनी एजुकेशन स्ट्रेटजीज का जो लास्ट ईयर है उसके अंदर जो टॉपर होगा, कॉलेज टॉपर स्टूडेंट, उसको 50% फीस जो है वो फीस का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये फीस रिलैक्स जो है वो रिलैक्स भैया INC हमेशा देने वाला है। ये थी वो महाघोषणा और ये थी वो स्क्रिप्ट आप लोगों के सामने, जो INC ने अपने तीनों प्लान जो है वो प्लान रख दिए भैया, और स्वागत करता INC आप सब पढ़ने वाले स्टूडेंटों का, सब अच्छे शानदार बेहतरीन जो है वो बेहतरीन स्टूडेंटों का। और चलिएगा फिर अगली स्क्रीन क्या कह रही है, ये लीजिए भैया एक नया नाम अलाउंस है। जी हाँ, आज तक हम रात के 9 बजे डेली लाइव थे आप लोगों के साथ में, लाइव रहने वाले भी हैं और लाइव भी रहेगा आइडियल नर्सिंग का ये प्लेटफॉर्म, लेकिन बस रात 9 बजे नहीं, अब इस सेशन के नाम के साथ लाइव रहेगा, और इस सेशन का नाम जो है वो नाम है भैया सुपर स्टडी सेशन जो है वो सेशन भैया SSS सेशन के अंदर स्वागत है। और ये आज का SSS महाघोषणा सेशन के अंदर आप सब लोग जो मेरे साथ लाइव हो सभी लोगों का स्वागत जो है वो स्वागत है भैया। ये है आपका सुपर स्टडी सेशन जो है वो सुपर स्टडी, तो किस नाम से बोलोगे रात के 9 बजे कि कौन सा सेशन ज्वाइन कर रहे हैं हम, सुपर स्टडी सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं आइडियल नर्सिंग क्लास की 9 बजे, इसका मतलब सुपर स्टडी सेशन जो है वो सेशन की क्लासेज ले रहे हैं आप लोगों के सामने। जो बेसब्री से इंतजार आप लोगों ने कर रखा था उस इंतजार के लिए शुक्र अदा है। हाँ, मुझे भी आपके साथ ही पता लगा है, ऐसा नहीं है, इस पूरी टीम की स्क्रिप्ट थी जो आपके सामने जो है वो खोल के रख दिए मैंने, और फिर सर हमने जो है वो आगे भी कुछ है क्या, सर आगे जो है वो आगे तो वो है जो अपने काम की चीज है, और आगे अब अपना जो है वो अपना ये कर्म